हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर दॉलोइंग ट्रांजेक्शन पॉइंट फर्स्ट इशू थ्री थाउजेंड इलेवन परसेंट डिबेंचर ऑफ रूपीज हंड्रेड इच एट पार रिडमेबल एट फाइव परसेंट प्रीमियम थ्री थाउजेंड डिबेंचर इश्यू किया गया है पार पे जिसका रिडेम्शन प्रीमियम पे होना है ओके okay, तो पहले फर्स्ट पॉइंट की एंट्री बनाते हैं उसके बाद आगे का पढ़ेंगे और उसकी एंट्री बनाएंगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना डिबेंचर को पार पे इश्यू किया गया है एंड उसका रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा थ्री थाउजेंड डिबेंचर को इश्यू किया गया है फेस वैल्यू है हंड्रेड रूपीज तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एलेवन परसेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा थ्री थाउजेंड इंटू हंड्रेड कार पे इशू किया गया ना तो टोटल हंड्रेड से इंटू करेंगे ये हो जाएगा थ्री लैख एंड थ्री लैख फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए नरेशन आप लोग खुद से कर लेना ओके इलेवन परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट स्टूडेंट्स प्रीमियम पे रिडेम हुआ है तो लॉस हो रहा है ना कंपनी को कंपनी ने पार पे इश्यू किया था बट उसका रिडेमशन प्रीमियम पे होगा तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा ना तो ये लॉस हो रहा है तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू इलेवन परसेंट डिबेंचर अकाउंट सेम ऐसे क्वेश्चन आपके डीके गोयल वाली बुक में भी गिवन है बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा मैंने करवाया भी है ओके okay? अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे तो ये थ्री लैख यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा पार पे इश्यू किया गया था तो यहाँ पे भी थ्री लाख हो जाएगा हो गया ना उसके बाद देखिए फाइव परसेंट के प्रीमियम पे रिडीम किया गया है तो पहले हम फेस वैल्यू का फाइव परसेंट कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा हंड्रेड का फाइव परसेंट कैलकुलेट करिए फाइव रुपीज हो जाएगा ना तो जब कंपनी ने इसका पेमेंट किया होगा तो कंपनी को कितना पे करना पड़ा होगा थ्री थाउजेंड इंटू फाइव फिफ्टीन थाउजेंड एक्स्ट्रा पे किया होगा कंपनी ने तो कंपनी के लिए ये लॉस है तो इसकी एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इश्यू में एंड यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्शन में भी ओके फर्स्ट पॉइंट की जनरल एंट्री बन गई अब सेकेंड पॉइंट पढ़िए इशूड फोर थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एट फाइव परसेंट प्रीमियम रिडिबल एट टेन परसेंट प्रीमियम इश्यू हो रहा है फाइव परसेंट के प्रीमियम पे एंड रिडियम हो रहा है टेन परसेंट के प्रीमियम पे तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं पहले इश्यू वाली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट कितना होगा प्रीमियम पे इशू हुआ है ना तो यहाँ पे अमाउंट में प्रीमियम मनी भी हम ऐड कर लेंगे हंड्रेड का फाइव परसेंट फाइव रुपीज हो जाएगा मतलब सौ रुपए वाले डिबेंचर को वन हंड्रेड एंड फाइव में इशू किया गया पर डिबेंचर का वैल्यू है ना हंड्रेड रुपीज बट प्रीमियम पे इशू किया गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एंड फाइव फोर थाउजेंड इंटू वन हंड्रेड एंड फाइव इसे आप इन करिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड फर्स्ट एंट्री बन गई अब सेकेंड एंट्री देखिए ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे रिडीम हुआ है ना टेन परसेंट प्रीमियम पे रिडीम हुआ है तो कंपनी के लिए ये भी लॉस कहलाएगा कंपनी ने फाइव परसेंट के प्रीमियम पे इश्यू किया था बट उसका पेमेंट टेन परसेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को तो ये लॉस हो रहा है यहां लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इश्यू हुआ था प्रीमियम में तो ये वाली भी एंट्री बन जाएगी ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेमशन अब अमाउंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग ये वाला पॉइंट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला अमाउंट अमाउंटर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है ना फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर अकाउंट में कितना अमाउंट हो जाएगा पर डिबेंचर का वैल्यू कितना था हंड्रेड रुपीज तो यहां हो जाएगा फोर थाउजेंड इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा फोर लैख सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना हो जाएगा फाइव परसेंट के प्रीमियम पे कंपनी ने इश्यू किया था तो फोर थाउजेंड इंटू फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टेन परसेंट के प्रीमियम पर रिडम हुआ है, तो हंड्रेड का टेन परसेंट टेन हो जाएगा ना तो वन हंड्रेड एंड टेन वन हंड्रेड एंड टेन के हिसाब से कंपनी को पेमेंट करना पड़ा टेन के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट किया कंपनी ने तो यहां हो जाएगा फोर थाउजेंड इंटू टेन तो ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड एक सौ पांच पे कंपनी ने इश्यू किया था बट एक सौ दस पे कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है ओके तो ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड यहां पर लॉस ऑन इश्यू में कितने का लॉस हुआ कंपनी को फोर्टी थाउजेंड का समझ में आया ना आपको जनरल एंट्री ये वाला भी हो गया उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए रिडल भी किया गया पारे एंड रिडम्शन भी हुआ पार पे बट एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ डिचर नहीं है ये डिवेंचर का अमाउंट गिवेन है थ्री लैख में डिवेंचर को इशू किया गया यहाँ पे ये यह फोर थाउजेंड सिर्फ लिखा हुआ था ना आगे रुपीज नहीं गिवेन था तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ डिवेंचर है बट ये डिबेंचर अमाउंट गिवेन है तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनी जनरल एंट्री तो सेम बनेगी अमाउंट देखिए बहुत से बच्चे इसको नंबर ऑफ डिबेंचर समझ के हंड्रेड से इंटू करके लिख देंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे आगे रुपीस के लिए ध्यान देना आप लोग इश्यू हुआ पार पे और रिडीम भी हुआ पार पे तो एंट्री तो इसकी बहुत ही इजी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा थ्री लैख एंड थ्री लैख इन टू नहीं करना है इसमें इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा ये कैलकुलेट करें आप लोग तो बहुत ही ईजी है कैल्कुलेशन इसका थ्री लैख डिवाइडेड बाई हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड डिबेंचर्स को इश्यू किया गया है पार पे एंड एडम्पन भी हुआ है इसका पार पे ओके तो ये एंट्री बनी उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए नाइन परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट जितने पे कंपनी ने इश्यू किया था ही पे कंपनी को पेमेंट भी करना पड़ा हो गया कंपनी का कोई लॉस नहीं हुआ तो लॉस एन इश्यू वाली एंट्री नहीं बनेगी पॉइंट थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया पॉइंट फोर देखिए इश्यूड सेवन लैख नाइन परसेंट डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट रिडल एट पार कंपनी ने इशू किया डिस्काउंट पे एंड रिडेमशन हुआ उसका पार पे स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोटिस करना यहाँ पे पर डिबेंचर का वैल्यू गिवे नहीं है यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ है कि सेवन लाख ये डिबेंचर अमाउंट गिवेन है इशू किया गया नाइन परसेंट ये इंटरेस्ट रेट जैसे सब में दिया रहता है वैसे यहाँ भी दिया हुआ है डिस्काउंट टेन परसेंट के डिस्काउंट पे इशू किया गया इतना तक तो लिखा हुआ है बट पर डिबेंचर का वैल्यू कितना है ये गिवेन नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो ना बाय मिस्टेक गिवन नहीं होगा यहाँ पे हंड्रेड रूपीज दिया हुआ है यहाँ हंड्रेड दिया हुआ है यहाँ हंड्रेड दिया हुआ है यहां भी हंड्रेड दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आप हंड्रेड ही मानना ओके यहाँ पे भी आप मानना कि पर डिबेंचर का वैल्यू होगा यहाँ पे हंड्रेड रुपीज तो यहाँ पे डिस्काउंट डिबेंचर अमाउंट दिया हुआ है ना सेवन लाख तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा सेवन लाख डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये हो ,00 ,00 100, जाएगा सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड डिबेंचर को कंपनी ने इश्यू किया टेन परसेंट के डिस्काउंट पे तो इसकी एंट्री बनाते हैं इशू वाली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर अमाउंट वहां स्टूडेंट्स देखिए के डिवेंचर अमाउंट वहां गिवेन है ना बट ये लिखा हुआ है कि डिस्काउंट पे इशू किया गया ओके तो कितना अमाउंट आया होगा हंड्रेड का टेन परसेंट कितना हो जाएगा टेन रूपीज मतलब सेवन थाउजेंड डिवेंचर को नाइन्टी के हिसाब से इशू किया गया तो यहाँ पे देखिए सेवन थाउजेंड इंटू नाइन्टी रूपीज टेन रुपीज, रुपीज का उस कंपनी ने डिस्काउंट दिया था तो ये हो जाएगा सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड एंड सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड हो गया उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे नाइन परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो यहां हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिवेंचर अकाउंट पार पे रिडीम हुआ था तो इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं बनेगी अमाउंट कितना हो जाएगा नाइन परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला सेम अमाउंट यहाँ पे हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे ये हो जाएगा सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड डिबेंचर अकाउंट में क्या होगा कितने का डिबेंचर था हंड्रेड रुपीज का पर डिबेंचर था ना सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड हंड्रेड के हिसाब से पेमेंट आना चाहिए था सेवन लैख आना चाहिए था बट आया कितना सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड कंपनी ने डिस्काउंट भी इशू किया था कितने का डिस्काउंट दिया था कंपनी ने टेन रुपीज का ये हो जाएगा सेवन थाउजेंड इंटू टेन हो जाएगा सेवेंटी थाउजेंड हो गया ये वाली भी एंट्री बन गई हमारी समझ में आया आपको उसके बाद लास्ट एंट्री देखिए इशू टेन लैख नाइन परसेंट डिवेंचर ऑफ रूपीज हंड्रेड इच एट टेन परसेंट डिस्काउंट रेडिमेबल एट फाइव परसेंट प्रीमियम कंपनी ने डिस्काउंट भी इश्यू किया बट प्रीमियम पे रेडम हुआ ओके तो सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर लेना टेन लाख डिबेंचर अमाउंट दिया हुआ है टेन लैख डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये हो जाएगा टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड डिबेंचर को कंपनी ने टेन परसेंट के डिस्काउंट पे इशू किया तो सबसे पहले इशू वाली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड डिबेंचर को कंपनी ने नाइन्टी के हिसाब से इश्यू किया टेन रुपीज को उस पर डिस्काउंट दिया कंपनी ने तो टेन थाउजेंड इंटू नाइन्टी हो जाएगा नाइन लैख एंड नाइन लैख समझ में आया आपको उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए नाइन परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट पे इशू हुआ एंड प्रीमियम पे रिडेम हुआ तो ये वाली तो एंट्री बनती है लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्शन एंट्री बन गई हमारी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला अमाउंट यहां पे भी ट्रांसफर हो जाएगा नाइन लैख ये समझ में आया आपको उसके बाद कितने का डिबेंचर था टेन लाख ,00 का डिबेंचर था ना तो टू नाइन परसेंट डिबेंचर में हो जाएगा टेन लाख लॉस ऑन इश्यू में कितना हो जाएगा रेडिम हुआ है प्रीमियम पे वो भी लॉस एंड इश्यू हुआ है डिस्काउंट पे तो वो भी लॉस दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए टेन uh, रुपीस का लॉस हुआ है इशू करने पे तो टेन थाउजेंड इंटू टेन ये हो जाएगा वन लैख उसके बाद फाइव परसेंट के प्रीमियम पर रेडिम हुआ है तो फाइव रुपीज का वो भी लॉस हुआ तो टेन थाउजेंड फाइव फाइव हमने कैसे कैलकुलेट किया फेस वैल्यू का फाइव परसेंट कैलकुलेट करिए हो जाएगा फाइव रुपीज टेन थाउजेंड इंटू फाइव हो जाएगा फिफ्टी uh, थाउजेंड तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का टोटल लॉस हुआ तो यहां हो जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड समझ में आया एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कितना हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड टेन थाउजेंड का डिबेंचर था फाइव परसेंट के प्रीमियम पर रिडम हुआ तो टेन थाउजेंड इंटू फाइव हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा टेन थाउजेंड इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा टेन लैख और ये वाला वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मैंने आपको सॉल्व करके यहां दिखाया है और ये नाइन लाख वाला तो ये हो जाएगा टेन थाउजेंड इंटू नाइन्टी नाइन लैख टेन रूपीज का डिस्काउंट मिल गया था तो बैंक में सिर्फ नाइन लाख ही आया सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर सेवन भी कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर एट तो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो एनपीओ का है देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो ये एनपीओ का है ये आपके सिलेबस में है नहीं तो ये नहीं करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है चंदा तारा एंड निशा व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ थ्री टूज चंदा तारा एंड निशा तीन पार्टनर्स है तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है

टाइपराइटर 9000 नाइन थाउजेंड में बिका है एसेट बिका है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी रिजोल्यूशन में जर्नल एंट्री वाला पॉइंट आपने पढ़ा होगा एसेट बिका है तो यहां हो जाएगा डेबिट में बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा नाइन थाउजेंड एंड नाइन थाउजेंड आप लोग खुद से करिएगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट सेकंड चंदा टू कोवर स्टॉक वर्थ नाइनटी सिक्स थाउजेंड एट एटी फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का स्टॉक चंदा एटी फोर थाउजेंड में लेके गया चंदा पार्टनर है तो जब भी कोई भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है चंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट हो जाएगा एट्टी फोर थाउजेंड एंड एट्टी फोर थाउजेंड इजी एंट्रीज है सारी पॉइंट थर्ड में देखिए लिखा हुआ है निशा वाज टू गेट रेमुनरेशन ऑफ फोर्टी टू थाउजेंड फॉर कंप्लीटिंग दी डिसोल्यूशन प्रोसेस निशा ने डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट किया उसके लिए उसे फोर्टी टू थाउजेंड का रेमुनरेशन मिला तो so, इसकी एंट्री देखिए क्या हो जाएगी रियलाइजेशन ये सारी एंट्रीज आपके बुक में ऑलरेडी गिवेन है आई होप आप सारे बच्चों ने पढ़ा होगा बहुत ही इजी जनरल एंट्रीज है ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है सारी एंट्रीज को निशा ने रेमुनरेशन रिसीव किया है निशा का इनकम हुआ है तो इसकी एंट्री इसलिए क्रेडिट में हो जाएगी टू निशा कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड एंड फोर्टी टू थाउजेंड क्रेडिटर्स ऑफ ट्वेंटीडिंड का इन्वेस्टमेंट लेके गया. ले गया बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था उसका पेमेंट कंपनी ने कैश के थ्रू दिया टेन okay? थाउजेंड तो का क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके गया तो इसकी जनरल इंट्री नहीं बनेगी ओके okay? रिमेनिंग बैलेंस जो जिसका पेमेंट किया गया उसकी सिर्फ जनरल एंट्री बनेगी ओके okay? तो देखिये ये हो जाएगा रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से टेन थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऐसा केस आपने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स ये हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे भी आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करने का मतलब कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है कोई भी बच्चे ये मत बोलना है की मैम सिर्फ लिखवा रही इसलिए मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि आप लोग दोबारा से जाओ बुक ओपन करो और वहां पूरा डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ जब किसी भी लैबिटीज का पेमेंट एसेट के थ्रू किया जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है यह आप लोग को पता होना चाहिए ओके तो यहाँ पे क्रेडिटर एसेट लेके गया है तो जितने का वो एसेट लेके गया है उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी ना ही उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है ओके रिमेनिंग जो पेमेंट किया गया है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का बस उसकी एंट्री बनेगी क्योंकि इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की गई होगी और ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट देखिए डिस्काउंट सनर क्रेडिटर का पेमेंट किया गया टेन परसेंट के डिस्काउंट पे तो फोर्टी थाउजेंड का टेन परसेंट फोर थाउजेंड हो जाएगा ना टोटल फोर्टी थाउजेंड के क्रेडिटर्स को थर्टी सिक्स थाउजेंड का पेमेंट किया गया फोर थाउजेंड का डिस्काउंट मिल गया ओके okay? तो इंट्रीज की बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट िटीज पेमेंट की एंट्री यही होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और एसेट सोल्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये हो जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड क्वेश्चन नंबर नाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही इजी क्वेश्चन था अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाइन्थ बी का हिना मीना एंड लॉसेस इक्वली ये तीनों पार्टनर्स हैं तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन इज टू वन इज टू वन है ओके बैलेंस शीट दिया हुआ है टीना रिटायर फ्रॉम फर्म ऑन दी अब डेट एंड वाज एग्रीड अपॉन टीना रिटायर हो गई एडजस्टमेंट्स भी देख लेंगे पॉइंट ए

विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दी बैलेंस इन टीना कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट टीना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसमें हमें सिर्फ रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग वॉस्टूशिएटेड बाई ट्वेंटी बिल्डिंग की वैल्यू ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज हो गई तो एंट्री किस साइड होगी एसेट की, हो की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री चली जाती है क्रेडिट मेंउंट कितना है फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट कितना हो जाएगा एट थाउजेंड ये हो गया उसके बाद मशीनरी वॉस्टू भी तो डेप्रिशिएटेड बाई फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड से मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई यहां हो जाएगा टू मशीनरी फिफ्टीन हंड्रेड हो गया एंड प्रोविजन की वैल्यू फाइव हंड्रेड से इंक्रीज हो गई है यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना तो पहले था वन थाउजेंड अब हो गया है फिफ्टीन हंड्रेड फाइव हंड्रेड से वैल्यू इंक्रीज हो गई है लैब्रिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री जाती है डेबिट साइड में यहाँ हो जाएगा टू प्रोविजन फाइव हंड्रेड बस गुडविल की एंट्री होती नहीं है रिवैल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया टोटल कर लेंगे एट थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड सिक्स थाउजेंड होगा इस साइड बैलेंस कम है तो यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेना, मीना एंड टीना सिक्स थाउजेंड प्रॉफिट आया एंड इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री टू थाउजेंड टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड काफी इजी क्वेश्चन था ये, हो जाएगा सिक्स थाउजेंड उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे फॉर्मेट बना लिया मैंने उसके बाद देखिए सबसे पहले कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करेंगे यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी अमाउंट हो जाएगा थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी एट थाउजेंड योग्य उसके बाद रिवैल्युएशन का जो प्रॉफिट आया था यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन अकाउंट टू थाउजेंड टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ये हो गया आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व ट्वेल्व थाउजेंड दिया हुआ है तो तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड थ्री फोर जर ट्वेल्व थाउजेंड होता है ना यू हो गया उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे तो सबसे पहले हम टीना का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे टीना शेयर ऑफ गुडविल फॉर्म गुडविल दिया हुआ है ना ये ट्वेंटी वन थाउजेंड ट्वेंटी वन थाउजेंड इन टू टीना गैन शेयर ऑफ प्रॉफिट है वन अपॉइंट थ्री थ्री वन जो थ्री थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन सेवन थाउजेंड आया इसे हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो है वन इज टू वन इज टू वन न्यू रेशियो होगा वन इज टू वन क्योंकि न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गेवन नहीं है तो टीना के रिटायरमेंट के बाद बाकी दोनों जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो वन इज टू वन होगा तो आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो इसका गेनिंग रेशियो भी वन इज टू वन होगा ओके okay? तो गेनिंग रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर को कॉम्पेंसेशन पे करेंगे ओके okay? तो उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाती है देखिए हिना एंड मीना ये दोनों कंटिन्यूंग पार्टनर्स है ना हिनास कैपिटल अकाउंट डेबिट मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीनास कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा सेवन थाउजेंड को वन इंस टू वन में कैलकुलेट करिए हो जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये हो जाएगा टोटल सेवन थाउजेंड हो गया अब इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों डेबिट में है इधर क्रेडिट में आ जाएगा यहां लिखेंगे बाई हिनास कैपिटल अकाउंट बाई मीना कैपिटल अकाउंट अमाउंट चला जाएगा टीना में थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद क्रेडिट में टीना है तो यहाँ डेबिट में हो जाएगा टू टीना कैपिटल अकाउंट अमाउंट हो जाएगा हिना में थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड हिना ने थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिया एंड मीना ने भी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिया इन लोग का एक्सपेंस हुआ इसलिए इनके डेबिट कॉलम में लिखेंगे टीना का इनकम हुआ तो इसलिए इसके क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे हो गया सारी एंट्रीज हमने कर ली उसके बाद देखिए टोटल कर लेते हैं ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो जाएगा फोर्टी वन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड ये हो जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड भी हो जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड गया क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ था टीना के कैपिटल बैलेंस को हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो ये फोर्टी वन थाउजेंड यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू टीनाज लोन अकाउंट अमाउंट हो जाएगा फोर्टी वन थाउजेंड okay? ओके एंड बाकी दोनों पार्टनर्स का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा टू बैलेंस सी डी थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो जाएगा थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये मीना का थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये भी हो जाएगा थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस कर लेंगे थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड ये फोर्टी वन थाउजेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया बनाया स्टूडेंट्स इसमें रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए दिया था एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दिया था तो दोनों हमने कंप्लीट कर लिया प्री वैल्यूशन अकाउंट भी एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे सारे सो ए स्टूडेंट्स इफ यू लाइक मा वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंस फॉर वॉचिंग